यादगार पलों का मनमोहक साक्षी, नवयुगल की नई और पहली चॉइस, बेस्ट वेन्यू फॉर एवरी ओकेजन, डेस्टिनेशन वेडिंग, एलिगेंट डिजाइन एंड एक्सप्रेसिव डेकोर, एक्सपीरियंस विद लग्जरी, ला फ्लोरा गढ़ रोड मेरठ। पहले आवासीय प्लॉट में कमर्शियल निर्माण करने देने के पैसे, फिर नोटिस फाइलों में ही कैद रखने के पैसे, फिर शिकायत होने पर लगी सील खोलने या फिर बिना सील खुले व्यवसायिक गतिविधियां चालू रखने के पैसे और अंत में ध्वस्तीकरण रोकने के नाम पर पैसे। ये लाइनें उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद में कंठ तक व्याप्त भ्रष्टाचार की कहानी बयां करने के लिए काफ़ी हैं। आवास विकास परिषद यूं तो आवासीय योजनाएं बनाता है, लेकिन इन योजनाओं में बेतरतीब निर्माण कर चलने वाली व्यावसायिक गतिविधियों को जेब गर्म होने पर नज़रअंदाज भी करता चला आ रहा है। राजस्व की हानि हो रही है, परिषद आर्थिक तंगहाली का रोना रो रहा है, लेकिन अभियंताओं की तोंद की गोलाई लगातार बढ़ रही है। अवैध निर्माण जारी है, अभियंता फाइलों में नोटिस तामील करा रहे हैं और अपनी जेब भरने में लगे हैं। बुलडोजर की गाज यदि कभी गिरी भी तो इन अवैध निर्माण पर गिरेगी, लेकिन जिन अभियंताओं ने इन निर्माण को अपनी गर्म जेब करने के लिए होने दिया, वे आज भी सीट पर बैठे पान वे गुटखा चबा रहे हैं। फाइलों की मोटाई बढ़ रही है और अभियंताओं की तोंद भी। शास्त्री नगर के डिलीशियस बेकरी के अवैध निर्माण पर जायज होने की मोहर लगाने के लिए सत्ताधारी भाजपा का झंडा भी लगा दिया गया है। इतना सब तब है जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अवैध व बेतरतीब निर्माण के सख्त खिलाफ हैं। उन्होंने दोषी अभियंताओं के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। यूपी में आवास विकास परिषद का एकमात्र कार्य हर वर्ग को जमीन का अधिग्रहण कर मकान उपलब्ध कराना है। रिहायशी इलाकों में कुछ जगह व्यवसायिक गतिविधियों के लिए प्लाट भी छोड़े गए हैं, लेकिन हाल यह है कि मेरठ के शास्त्री नगर समेत अन्य सभी कॉलोनियों में जितने मकान हैं उतने ही व्यवसायिक प्रतिष्ठान भी खुल गए हैं। ये सभी आवास एवं विकास परिषद को मुंह चढ़ाते नजर आ रहे हैं। फर्स्ट बाइट की टीम ने मेरठ शास्त्री नगर का भ्रमण किया तो कई चौंकाने वाले अवैध निर्माण भी होते पाए गए। शास्त्री नगर कुटी चौराहे पर स्थित श्री राम प्लाजा, यहाँ स्वीकृत नक्शे से कहीं अधिक दुकानें बना दी गई हैं। पूर्व में परिषद ने इसके मालिक बीपी सिंह को नोटिस भी दी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ अवैध निर्माण रोकने का दायित्व अधिशासी अभियंता नीरज कुमार व अवर अभियंता दुजई राम का है। शास्त्री नगर सेक्टर 2 स्थित भवन संख्या 76 में हरिया जी लस्सी वाले ने आवासीय भवन को तोड़कर वहां 3 मंजिला व्यावसायिक भवन खड़ा कर लिया है। इसके अलावा 2 अन्य अवैध निर्माण भी हरिया जी लस्सी वाले द्वारा यहीं पर धड़ल्ले से किए जा रहे हैं। इतने बड़े निर्माण को लेकर परिषद ने नोटिस जारी किए हैं, लेकिन वे सभी फाइलों की शोभा बढ़ा रहे हैं। पर्दा डालकर निर्माण जारी है और यहाँ के जेई संदीप कुमार लापता नजर आ रहे हैं। शास्त्री नगर मुख्य मार्ग स्थित F79 पहले डिलीशियस बेकरी आवासीय भवन को तोड़कर व्यावसायिक निर्माण किया गया है। इसे लेकर भी नोटिस जारी हुए बावजूद इसके अब भाजपा का झंडा लहराते हुए कुछ ही दूरी पर न्यू डिलीशियस नाम से रेस्टोरेंट संचालित किया जा रहा है। इस अवैध निर्माण को रोकने का जिम्मा भी जेई दुजई राम व अधिशासी अभियंता नीरज कुमार का है। इस अवैध निर्माण पर सत्ताधारी भाजपा का झंडा लहरा रहा है। हापुड़ रोड पर हॉस्पिटल संतोष, यह हॉस्पिटल आवासीय क्षेत्र में बनाया गया है। अब इससे बिल्कुल सटे प्लॉट पर स्वीकृत मानचित्र से बिल्कुल उलट अवैध निर्माण किया जा रहा है। परिषद का कहना है कि स्वीकृत मानचित्र से भिन्न निर्माण करने पर 30 जून 2021 को ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया है। ध्वस्तीकरण के आदेश के बावजूद निर्माण जारी रहा, जिस पर अभियंता ने थाने में तहरीर दी है। अब आवंटी द्वारा भिन्न निर्माण को समन कराने हेतु लिखा गया है, यानी पहले अवैध निर्माण कर लिया जाए और फिर समन शुल्क देकर उस पर वैधता की मोहर लगवा ली जाए। यह खेल भी आपसी मिलीभगत का नतीजा ही है। आवास विकास परिषद से कुछ ही दूरी पर सैनफोर्ड हॉस्पिटल की बिल्डिंग आवास तोड़कर खड़ी कर दी गई और परिषद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इच्छा के अनुरूप इन अवैध निर्माण को रोक नहीं पाया। यहाँ अधिशासी अभियंता MB कौशिक व जेई संदीप कुमार हैं। बेहद चर्चित व भ्रष्टाचार के खुलो आरोपों से लैस MB कौशिक का हाल ही में रिटायरमेंट हुआ है। समय समय पर हुई शिकायतों में यह आरोप लगते रहे हैं कि अवैध निर्माणकर्ताओं को कौशिक का संरक्षण प्राप्त है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। भ्रष्टाचार की पोर खोलती खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। और हाँ, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना व बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार।